खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i News को सब्सक्राइब करिए। लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर शिवजी शौर्य भरद्वाज भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सीहोर जिले के शहीद ओम प्रकाश मर्दानी की पत्नी कोमल मर्दानी के साथ 8,50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, मगर इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से इस मामले की जानकारी में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मर्दानिया साहब के परिवार के बारे में मुझे जब कल पता चला तो मैं रुका। हम ये विषय की मांग करते हैं कि इस पर एक थोरो इंक्वायरी होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, CCTV फुटेज में जिस आदमी ने किया है उसका चेहरा है और इनका मोबाइल उसके पास है, मतलब बहुत सारी ऐसी साइबर की चीजें जिससे वो ट्रैक होना चाहिए और अल्टीमेटली उस आदमी को पनिशमेंट मिलना चाहिए और इनके पैसे वापस आना चाहिए। वहीं कोमल मर्दानी ने बताया कि 11 फरवरी 2019 को CRPF के SI के रूप में एक व्यक्ति आया था, जिसने अपना परिचय दिल्ली से पेंशन विभाग का अधिकारी बताया और धोखाधड़ी से FD के 8,50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। हालांकि सीहोर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर बैंक के CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया है। मेरे पति ओम प्रकाश मर्दानी CRPF में थे, जो कि 2013 को सही सर, अभी फरवरी में 11 फरवरी के जो हादसा हुआ वो सब कुछ पता सर। 8,50,000 रुपये हुई मेरे साथ और उसमें मेरे डॉक्यूमेंट भी चले गए और कोतवाली SP ऑफिस में शिकायत किया था, CRPF कांग्रेस ने किया था और दिल्ली भी किया था। केसली के